अस्सलाम स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हमने वेस्ट ट्रीटमेंट के डिफरेंट मेथड स्टडी कर किए थे। जो पहला था वो फिजिकल मेथड थे वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद हमने केमिकल मेथड देखे कि वेस्ट को किस तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। और थर्ड पे हमारे पास क्या था कि एक थर्मल ट्रीटमेंट मेथड्स है, जिसमें हमने देख लिया कि हाई टेम्परेचर के ऊपर जो भी हमारे पास वेस्ट है, अगर हमें हमारे पास प्रॉपर ऑक्सीडेशन है या एडिएशन है, तो हम हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है इस वेस्ट को बर्न कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या प्रोसेस कहलाता था, इंसिनरेशन। तो हमने इस प्रोसेस को देख लिया था कि थर्मल ट्रीटमेंट के अंदर हम एक्चुअली इंसिनरेशन कर रहे हैं, कि हाई टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं वो लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और साथ साथ हमारे पास हीट इवॉल्व हो रही होती है, जिसको हम एनर्जी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने देखा था, और ये और साथ साथ ये देख लिया था कि हमारे पास कौन कौन से मटेरियल हैं या कौन कौन से वेस्ट हैं जो इनसिनरेबल है, मीन जिनको हम बर्न कर सकते हैं और उनसे हम एनर्जी भी हासिल कर सकते हैं, या उसकी बर्निंग से हीट मिल रही होती है हमें। ठीक है, तो जब ये हीट मिली होती है तो इसका मतलब है कि उस हीट को हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। मीन के थे तो हमारे पास ये वेस्ट ही, लेकिन हम इसी वेस्ट की बर्निंग से एनर्जी भी ऑब्टेन कर सकते हैं और उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कि ये जो हजार्डस वेस्ट है ये हमारे पास फ्यूल के तौर पे भी यूज हो सकता है। तो हमने जो स्टार्ट करना है वो देखना है कि इंसिनरेशन सिस्टम जो है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, द फोर मेजर कंपोनेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट इंसिनरेशन सिस्टम आर शोन इन दी फॉलोइंग फिगर। हम फिगर देखते हैं कि फिगर के अंदर इंसिनरेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज मौजूद होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर रही हूँ साइज में, ताकि ये हमें पूरी पिक्चर जो है वो नजर आए। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या है, हजार्डस वेस्ट होता है हमारे पास, जिसकी हम वेस्ट की प्रिपरेशन करें या फिटिंग करें, कि मीन जो भी हमारे पास चैम्बर है उसके अंदर उसको ऐड कर रहे हैं, या अगर हमने उसकी कोई उसकी चेंजेस करनी है, उसके अंदर कोई प्रिपरेशन करना है, कि मीन कम्बस्टन से पहले जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पे आ जाएगा वेस्ट प्रिपरेशन एंड फीडिंग के अंदर। फिर कम्बस्टन का प्रोसेस होता है, सम टाइम जो है कुछ फ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं जो कि क्विकली फ्लेम को एबल होते हैं, आई मीन क्विकली उनको आग लग जाती है, लेकिन सम टाइम कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको हमने बाहर से स्पार्क देना होता है। ठीक है, या बाहर से हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि फ्यूल इफ़ रिक्वायर्ड, कि अगर फ्यूल की ज़रूरत है तो हमें उसको कंटिन्यूसली फ्यूल देना पड़ेगा, वरना क्या सम टाइम एक दफ़ा कोई मटेरियल जलना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जलने का प्रोसेस होता रहता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हैजर्डस वेस्ट है, उसकी प्रिपरेशन या फीडिंग का प्रोसेस होता है, उसके बाद उसके अंदर कंबशन होती है। कंबशन के लिए हम उसको क्या दे रहे हैं, फ्यूल दे रहे हैं और साथ साथ एयर दे रहे हैं, मीन ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, यहाँ कंबशन होती है मीन बर्निंग होती है। अब बर्निंग की वजह से क्या होगा कि कुछ तो हमारे पास गैशियस प्लूटेंट्स होंगे, कुछ हमारे पास क्या हो सकते हैं कि जो है हमारे पास सॉलिड रेजिड्यू या ऐश वगैरह रह सकती है। ठीक है, जो हमारे पास है एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, उसको भी हम कलेक्ट कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, उनकी भी अगर कन्वर्जन करनी है, तो जैसे अगर आपने एयर पोल्यूटेंट की ट्रीटमेंट देखी हुई है तो वो उसके लिहाज से इसको प्रोसीड कर दिया जाता है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि ऐश और रेजिड्यूज होते हैं, तो उसके अंदर से जो बिल्कुल यूजलेस सब्सटेंसेस हैं, तो हम उसको क्या कर लेते हैं कि ये हमारे पास चला जाता है उसके अंदर, कि ये हमारे पास जो होता है बर्निंग में चला जाता है, डिस्पोज ऑफ की तरफ चल जाता है। ऐश जो रह जाती है वो हमारे पास जो है वो डिस्पोजल की तरफ चल जाती है। ठीक है, और साथ साथ जो है अदर जो मटेरियल है हम उनको लिक्विड मटेरियल्स को भी सेपरेट आउट कर लेते हैं, ताकि हमने सॉलिड को सेपरेट आउट कर लिया, लिक्विड को सेपरेट आउट कर लिया, और जो है गैशियस को सेपरेट आउट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास इंसिनरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, वेस्ट प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड
वेस्ट में रिक्वायर्ड फिल्ट्रेशन, सेटलिंग और रिमूव सॉलिड मटेरियल और वाटर, कि हम लोग यहाँ पे क्या करें इसकी, अगर हम सबसे पहले जो हमारे पास प्रिपरेशन है अगर हम उसको देख लें, तो इसकी प्रिपरेशन में हमारे पास क्या क्या चीज इंक्लूड होती है कि हम वेस्ट को कैसे प्रिपेयर करें। तो यहाँ तो इसकी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, या सॉलिड मटेरियल को सेटल डाउन कर सकते हैं, या वाटर को है उसको रिमूव कर सकते हैं, ब्लेंडिंग टू ऑब्टेन दी ऑप्टिमम इंसिडरेबल मिक्सचर की उसकी ब्लेंडिंग कर सकते हैं, मीन उसको मिक्स कर सकते हैं कि प्रॉपर हमारे पास जो है एक ही तरह का मिक्सचर सा बने, ठीक है। एंड हीटिंग टू डिक्रीज दी विस्कोसिटी, या फिर उसकी विस्कोसिटी को डिक्रीज करने के लिए हीट कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड में रिक्वायर्ड श्रेडिंग एंड स्क्रीनिंग, श्रेडिंग मीन कि उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं पार्टिकल्स की बेस के ऊपर, कि स्मॉल साइज पार्टिकल अलग हैं और जो है लार्ज साइज पार्टिकल सेपरेट हो जाएं, तो यही हमारे पास स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, हमने सेपरेट सेपरेट कर लिया। एटमाइजेशन इज कॉमनली यूज टू फीड लिक्विड वेस्ट। एटमाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे पास इसको फाइन पार्टिकल्स की में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। लिक्विड वेस्ट है हमारे पास, तो उसको भी हम लोग जो है फाइन पार्टिकल्स में सेपरेट आउट कर लेते हैं, या हमारे पास उसको भी एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से सेपरेट आउट किया जा सकता है। सेवरल मैकेनिकल डिवाइसेस सच एज रैम्स एंड ऑगर आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द सॉलिड इनटू द इंसिनरेटर, कि हमारे पास क्या है कि कोई ना कोई डिवाइसेस हैं जिसकी वजह से ये सारा वेस्ट जो है इंसिनरेटर के अंदर हमने ऐड करना होता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ कंबशन चैम्बर आर द लिक्विड इंजेक्शन। हमारे पास क्या है कि कंबशन चैम्बर किस तरह के हो सकते हैं, कि लिक्विड आ सकता है उसके अंदर, कि लिक्विड को ऐड करने वाले मटेरियल्स हों या डिवाइसेस हों, एंड फिक्स अर्थ, जैसे कि हमारे पास एक फिक्स जो है स्टोव वगैरह होते हैं, या रोटनरी किल्स होती है, या फ्लूडिडाइज बेड होते हैं, या वहाँ पे मूवमेंट हो रही होती है। लिक्विड के लिए क्या हो सकता है कि या तो लिक्विड आस्ता आस्ता उसके अंदर इंजेक्ट हो रहा होता है, या एक फिक्स प्लेस के ऊपर ऐड हो रहा होता है, या रोटेशन हो रही होती है, या उसके साथ साथ फ्लूडाइज बेड हो सकता है, या फ्लूड की तरह के एक स्पेसिफिक लेयर्स ही बनी होगी, ठीक है, जिसको हम कहने के फ्लूडाइज बेड है। दीज टाइप आर डिस्कस मोर डिटेल इन ओके। ऑफन द कम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द हैजर्डस वेस्ट इंस्टॉलेशन सिस्टम इज द एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, के हमारे पास क्या है कि मेन प्रॉब्लम क्या आती है जहाँ हमने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि इंस्टॉलेशन से क्या होगा कि जो हमारे पास गैसेस प्रोड्यूस होंगी, तो वो क्या होगी कि हमारे इन्वायरमेंट में जा सकती हैं, तो उसको वो पोल्यूट कर सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास अच्छा जो है कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए कि जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। विच इन्वॉल्व सेवरल ऑपरेशन, के बहुत ज़्यादा ऑपरेशन यहाँ पे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फिनोमेना हो सकते हैं कि एयर की पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑपरेशन इन एयर पोल्यूशन कंट्रोल फ्रॉम द हैज़र्डस वेस्ट इंसिनरेशन आर द कंबशन गैसेस, कूलिंग, हम क्या कर सकते हैं जो कंबशन गैसेस हैं उनकी कूलिंग कर सकते हैं, हीट रिकवर कर सकते हैं, उसको उनकी किंचिंग कर सकते हैं। किंचिंग मीन कि उनको किसी और सब्सटेंस के अंदर ऐड करके उसको जो है उसका हार्मफुल जो इफेक्ट है उसको कम किया जा सकता है, या पार्टिकुलर मैटर रिमूवल कर सकते हैं, एसिड गैस रिमूवल हो सकती है, या ट्रीटमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ द बाय प्रोडक्ट सॉलिड स्लजेस एंड लिक्विड, या इसी तरह हम जो है सॉलिड लिक्विड और स्लजेस की भी बाय प्रोडक्ट की भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ताकि हमारे पास ये जो है जो इंसिनरेशन की वजह से जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो भी हमारे इन्वायरमेंट में ना जा सके। हॉट ऐश इज ऑफन क्विंच इन वाटर, कि हमें पता है ऐश जो बनती है जो राख सी बनती है, अगर वो गर्म है तो हम उसको क्विंच कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर पानी डाल के उसको क्विंच कर दिया जाता है, ठीक है। प्रियर टू डिस्पोजल इट में रिक्वायर डी वाटरिंग एंड केमिकल स्टेबलाइजेशन। अब ये इसको अगर डिस्पोज ऑफ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर से पानी निकाल लेते हैं, या उसको एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते होते हैं। द मेजर कॉन्सिड्रेशन विद द हैजर्डस वेस्ट इंसिनरेशन एंड द टाइप्स ऑफ वेस्ट दैट आर इंसिनरेटेड इज द डिस्पोजल प्रॉब्लम पोज बाय द एश, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द पोटेंशियल लीचिंग ऑफ द हैवी मेटल। अब हमारे पास क्या है कि
अब डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल था, उसे किस तरह की ऐश बनी। अब ऐश को भी तो हमने डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है, कि हमने इस तरह डिस्पोज ऑफ करना है कि इसके अंदर से जो हैवी मेटल्स वगैरह हैं या कोई और पोटेंशियल हजार्डस मटेरियल है वो हमारे इन्वायरमेंट में लीच ऑफ ना हो, ठीक है। यानी कि जिस जगह पे हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो वहां से वो रिमूव होके किसी और जगह पे ना जाए, और ताकि वो और सॉइल को या वाटर वगैरह को पोल्यूट ना करें या डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें वहां पर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कंबशन के लिए क्या क्या जरूरी कंडीशंस हैं जिसकी बेस के ऊपर कंबशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। द की टू इफेक्टिव इंसिनरेशन ऑफ हैजर्डस वेस्ट लाइज इन द कंबशन कंडीशन, कि कंबशन की कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। दीज रिक्वायर्ड सफिशिएंट फ्री ऑक्सीजन इन द कंबशन जोन टू इंश्योर द कंबशन ऑफ द वेस्ट, कि सफिशिएंट ऑक्सीजन होगी तभी हमारे पास कंबशन या जलने का प्रोसेस होगा। अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी या एयर नहीं होती है तो वहां पे क्या होता है कि वो उसका कंबशन का प्रोसेस भी सही नहीं होता। दूसरा क्या है, टर्बुलेंस ऑफ फॉर थ्रू आउट मिक्सिंग ऑफ वेस्ट ऑक्सीडेंट एंड इन एनी इन केसेस वेयर द वेस्ट डज नॉट हैव सफिशिएंट फ्यूल कंटेंट टू बी बर्न अलोंग सप्लीमेंटल फ्यूल, कि हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है कि उसकी टर्बुलेंस होनी चाहिए। कि टर्बुलेंस का मतलब क्या है कि उसकी प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए, वेस्ट की मिक्सिंग है। ऑक्सीडेंट मीन के वो मटेरियल जो इसमें वेस्ट मटेरियल की ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। या हम लोग हमें पता है कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो खुद ब खुद बर्निंग नहीं हो सकते, तो उसके लिए हम लोग जो फ्यूल ऐड कर रहे हैं उन सब चीज़ों की प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इजीली बर्न आउट सके हो सके। थर्ड क्या, हमारे पास हाई कंबशन टेम्परेचर अबव 900 सेंटीग्रेड टू इंश्योर दैट थर्मली रेजिस्टेंट कंपाउंड टू रिएक्ट, ठीक है। कि हमें इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, कि 900 या इससे भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। क्यों, कि जो ऐसे मटेरियल हैं कि जो टेम्परेचर रेजिस्टेंट हैं वो भी इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर जाके डिकम्पोज हो सके या उनकी भी बर्निंग हो सके। सफिशेंट रेजिडेंट टाइम एटलीस्ट 2 सेकेंड टू अलाउ द रिएक्शन टू अकर, कि हमारे पास सफिशेंट रेजिडेंट टाइम होना चाहिए कि ताकि हमारे पास वो उसकी बर्निंग अच्छी सी हो सके। ये नहीं है कि बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से उसकी बर्निंग नहीं होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा मटेरियल रह जाए जो कि बर्न नहीं हुआ, ठीक है। तो प्रॉपर टाइम जो है उसके लिए वो भी रिक्वायर्ड होता है। अब हम देखते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ इंसिनरेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हम किसी भी प्रोसेस की एफिशिएंसी निकालते हैं कि कितना किसी भी सब्सटेंस के अंदर चेंज आया, कि आपने इनपुट क्या दी और आउटपुट, और जो डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल होता है, मीन इनपुट कितनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जैसे हम एफिशिएंसी या परसेंटेज निकालते हैं तो यहाँ पे भी वही सेम है कि हम लोग जो है इफेक्टिवनेस ऑफ इंसिनरेशन जो है वो कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। EPA स्टैंडर्ड फॉर हैजर्डस वेस्ट इंसिनरेशन आर बेस्ड अपॉन द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गेनिक हैजर्डस कंस्टिट्यूएंट, कि जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक हैजर्डस कंस्टिट्यूएंट हैं वो कितने जो हैं वो डिग्रेड हुए हैं, कितने वो बर्न हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है। मीन कि जितने ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा बर्न होंगे तो उतनी उसकी इंसिनरेशन की इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा होगी। मेजरमेंट ऑफ दिस कंपाउंड बिफोर, के पहले कितने थे एंड आफ्टर द इंसिनरेशन जो है बाद में कितने रह गए, गिव द डिस्ट्रक्शन रिमूवल एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू द फार्मूला DRE, मीन के डिस्ट्रक्शन रिमूवल एफिशिएंसी डिपेंड करिए कितने थे हमारे पास ओरिजिनली, कि कितना ऑर्गेनिक वेस्ट जो था वो पहले था और कितना जो है बर्निंग के बाद रह गया, और डिवाइडेड बाय टोटल जो था हमारे पास जो ओरिजिनल था और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया हमने, तो यहाँ से उसकी डिस्ट्रक्शन रिमूवल एफिशिएंसी आ जाती है। वेयर डब्ल्यू इन एंड डब्ल्यू आउट आर द मास फ्लो रेट्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गेनिक हैजर्डस कंस्टिट्यूएंट इनपुट एंड आउटपुट एट दिस स्टैक डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द इमिशन कंट्रोल, के अगर वो ऊपर वाली साइड से आ रहे हैं स्टैक के ऊपर आ रहे हैं तो आस्ते आस्ते वो नीचे आ रहे हैं, तो पहले कितना था और एंड पे हमें क्या मिला उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट EPA रेगुलेशन कॉल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ 99.99% ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गेनिक हैजर्डस कंस्टिट्यूएंट्स एंड 99.999% डिस्ट्रक्शन ऑफ
2, 3, 7, 8 टेट्राक्लोरोडाई बेंजो डाइऑक्सीन कॉमनली का TCDDD और डाइऑक्सीन, कि ये जस्ट उसकी वैल्यू दी हुई है कि ये प्रिंसिपल ऑर्गेनिक हैजर्डस जो मटेरियल्स हैं वो तकरीबन 99.99% जो है हमारे पास जो है इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, कि मीन जितना हमने दिया था ऑलमोस्ट उतना सारे का सारा ही बर्न आउट हो जाता है इंसिनरेशन में, मीन हाई टेम्परेचर के ऊपर ये इसके सारे के सारे की बर्निंग हो जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वेट एयर ऑक्सीडेशन इसके ऊपर बर्निंग के अंदर क्या हो सकता है, कि किस टेम्परेचर के ऊपर हम या किस प्रेशर के ऊपर जो है हम बर्निंग कर रहे हैं या ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, वेट एयर ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या है उसको देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑक्सीडाइजेबल इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन कैन बी ऑक्सीडाइज बाय द ऑक्सीजन इन एक्वस सॉल्यूशन, कि अगर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है ठीक है तो वहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की या हमारे पास जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनकी। दिस सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज यूजली एयर, हमें पता है एयर के अंदर क्या है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो हम वहाँ पे एयर की सर्कुलेशन करवाएं तो ऑक्सीजन हमें मिल जाती है। रेदर एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड विद द टेम्परेचर रेंज ऑफ 175 to 327 सेंटीग्रेड एंड प्रेशर ऑफ इन द रेंज ऑफ 300 to 3000 PSI, जिस हम साई कहते हैं पाउंड्स पर स्क्वेयर इंचेस, और 2072 to 20,700 किलो पास्कल। ठीक है, कि वो ये कह रहे हैं कि पहले हमने क्या किया कि 900 टेम्परेचर हमें देना पड़ा इंसिनरेशन के प्रोसेस में, जिसमें मोस्टली हमारे पास सेमी सॉलिड और सॉलिड मटेरियल होते हैं। अब वेट एयर ऑक्सीडेशन के अंदर हमें क्या है कि एक्सट्रीम कंडीशन नहीं देनी पड़ी, हमें एक मॉडरेट टेम्परेचर देने हैं, लेकिन साथ साथ हमें क्या देना पड़ेगा कि फिर प्रेशर ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर अगर हम कम करें तो प्रेशर हमें ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि हम इसकी ऑक्सीडेशन करवा लें। तो यहाँ पे 900 की बजाय क्या है 175 से 327 सेंटीग्रेड तक है, और इतना प्रेशर हम देंगे तो फिर ये हमारे पास क्या हो सकते हैं ऑक्सीडेशन हो सकते हैं। हाई प्रेशर अलाउ अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू बी डिजोल्व इन दी वाटर, कि जैसे ही हम गैस का प्रेशर ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा हमारे पास जो है वाटर के अंदर डिजोल्व हो रही है, एंड दी हाई टेम्परेचर अनेबल द रिएक्शन टू अकर, और टेम्परेचर हाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो भी रिएक्शन हो रहा होगा वो जल्दी प्रोसीड हो जाएगा। वेट एयर ऑक्सीडेशन हैज बीन अप्लाइड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द साइनाइड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेस्ट वाटर, कि ये वेस्ट वाटर जिसके अंदर साइनाइड होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है वेट एयर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। डी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ द सोडियम साइनाइड इज एज फॉलो, कि हमारे पास सोडियम आइंस है, साइनाइड आइन है, ऑक्सीडेशन होनी है तो एयर होगी या ऑक्सीजन होगी, और साथ साथ हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है तो वाटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है कि सोडियम आइंस है हमारे पास, और ये बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं, और साथ साथ हमारे पास अमोनिया प्रोड्यूस हो रही होती है गैस। ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी ऑक्सीडाइज इन सुपर क्रिटिकल वाटर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द एबिलिटी ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स टू डिजोल्व द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के हमारे पास जो है और अगर लार्ज अमाउंट में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है फ्लूइड्स के अंदर जो है डिजोल्व हुए हैं तो वहाँ से भी हम इसको जो है ऑक्सीडाइज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। वेस्ट आर कॉन्टेक्टेड विद द वाटर, वाटर के साथ इसका कॉन्टैक्ट करें एंड द मिक्सचर रेज द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द सुपर क्रिटिकल कंडीशन ऑफ द वाटर, तो वहाँ पे भी हम क्या करें टेम्परेचर एंड प्रेशर को इंक्रीज करें। ऑक्सीजन इज देन पम्प्ड इनटू सफिशिएंट टू ऑक्सीडाइज द वेस्ट, द प्रोसेस प्रोड्यूस ओनली स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नो सॉक्सिस एंड नो नॉक्सिस, कि इस प्रोसेस की वजह से हमारे पास क्या है कि प्रॉपर जब ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगी, और इसी तरह हमारे पास जो है नॉक्सिस और सॉक्सिस भी नहीं बनेंगे। इट कैन बी यूज टू डिग्रेड पोली कार्बन साइक्लिक बेंजीन्स डाइऑक्सीन ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड बेंजीन यूरिया एंड नंबरस अदर मटीरियल्स, इन सब मटीरियल्स को बर्न करने के लिए हम ये प्रोसेस कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कर दी जाए। ठीक है, कि उन मटीरियल्स की को ऑक्सीडाइज कर दिया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोडिग्रेडेशन ऑफ द वेस्ट, के वेस्ट की बायोडिग्रेडेशन कैसे की जा सके, मीन कि हम किसी ना किसी तरह पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को इन्वॉल्व करें, वो क्या हो सकते हैं बैक्टीरिया हो सकते हैं फंजाई वगैरह हो सकते हैं, जिनकी वजह से हमारे पास क्या है कि
हम ये प्रोसेस कर रहे हैं कि वेस्ट की डिग्रेडेशन का, ठीक है। आपने लोगों ने वो यूट्रोफिकेशन भी पढ़ा होगा कि जब हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा हो जाता है तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज्यादा, वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ भी ज्यादा हो जाती है, तो वो ऑर्गेनिक वेस्ट की ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, तो वो लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है। तो उसी तरह से आप ये माइंड में रख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं जो के वेस्ट को जो है उसकी डिग्रेडेशन कर रहे हैं। द बायोडिग्रेडेशन ऑफ द वेस्ट इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ वेस्ट बाय द एंजाइमेटिक बायोलॉजिकल प्रोसेस टू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट टू बायोलॉजिकल मटीरियल्स। कि हमारे पास क्या है कि बायोडिग्रेडेशन का मतलब हमारे पास क्या है कि जो वेस्ट है, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, हम उनको लेस हार्मफुल जो सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बीन कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं या ऑर्गेनिक मटीरियल्स हैं, उसको लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या हीट वगैरह में कन्वर्ट कर दिया जब उसकी ऑक्सीडेशन वगैरह होती है, तो इसलिए इसको कह रहे हैं कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स या मिनरलाइजेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, कि जो नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट कर रहे हैं या नाइट्रेट्स को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, तो इस तरह हम लोग जो है इसकी कन्वर्शन कर सकते हैं। यूजली द प्रोडक्ट्स ऑफ बायोडिग्रेडेशन आर द मॉलिक्यूलर फॉर्म दैट टेंड टू अकर इन नेचर एंड दैट आर इन ग्रेटर थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम विद देयर सराउंडिंग देन दे आर द स्टार्टिंग मटीरियल्स। के हमारे पास क्या है कि जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास मोस्टली नेचुरली अकरिंग मटीरियल्स में आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल की ऑक्सीडेशन से क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, ठीक है, या वाटर बन जाएगा, तो ये हमारे पास नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, एक नॉर्म स्पेसिफिक अमाउंट प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू हमारे पास, अगर हम ऑर्गेनिक वेस्ट के लिहाज से इसका कंपैरिजन करें, तो ये अगर हमारे एनवायरनमेंट में वाटर वगैरह प्रेजेंट भी है तो हमारे लिए वो इतना टॉक्सिक नहीं है जितना हमारे पास ये जो वेस्ट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जो कि ज़्यादा टॉक्सिक हैं, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन रेफर्स टू द बायोलॉजिकल कन्वर्जन ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस टू अ लेस टॉक्सिक स्पीशीज, ठीक है, कि बायोलॉजिकल मटेरियल की वजह से बायोलॉजिकल एंजाइम या बैक्टीरिया वगैरह जो एंजाइम वगैरह प्रोड्यूस करते हैं उनकी वजह से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाए, तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या है कि डिटॉक्सिफिकेशन, आई मीन उसको टॉक्सिक सब्सटेंस को कम कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रोबियल बैक्टीरिया एंड फंजाई पोजेसिंग एंजाइम सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर द बायोडिग्रेडेशन ऑफ द वेस्ट आर यूजली बेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ द इंडिजिनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ हैजर्डस वेस्ट साइट वेयर दे हैव डेवलप द एबिलिटी टू डिग्रेड पर्टिकुलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। के हमारे पास क्या है कि जो भी फंजाई या बैक्टीरिया है, और हमें पता है वो डिफरेंट तरह के एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कि ये इन मटेरियल्स की डिग्रेडेशन के लिए, तो जहाँ पे हमारे पास क्या है कि जिस एरिया के ऊपर, जिस साइट के ऊपर हमारे पास वेस्ट मटेरियल है, बेस्ट वे यही है कि वहीं पे बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ करवाई जाए, जिसकी वजह से उन्हीं के एंजाइम जो हैं वो वेस्ट मटेरियल के ऊपर जाए और उनको किल करना शुरू करना है, ठीक है। कि जिस तरह के हमें, हमारे पास वेस्ट है तो और उसके लिहाज से हमें बैक्टीरियल ग्रोथ करवानी है, और वहाँ उसी प्लेस के ऊपर क्या है उसकी ब्रेक डाउन हो सकती है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफर्स अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस एंड हैज कंसिडरेबल पोटेंशियल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द हैजर्डस वेस्ट इवन इन इंसिटू, ठीक है। कि हमारे पास क्या है कि बहुत इम्पोर्टेंट है और गुड प्रोसेस है, हम इससे बेटर रिजल्ट भी ले सकते हैं और इससे हम बहुत ज़्यादा हैजर्डस वेस्ट को डिग्रेड भी कर सकते हैं। और इन सीटू का वर्ड कहीं भी आ रहा है तो उसका इन सीटू का सिंपल अगर वर्ड देखे कि जिस रिएक्शन के अंदर ही कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कोई एक मटेरियल प्रोड्यूस होता है और वहीं पर वो यूटिलाइज भी हो जाए, ठीक है। जैसे जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पे वो यूटिलाइज हो जाए, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये इन सिटो प्रोसेस है, कि रिएक्शन के अंदर खुद ही प्रोड्यूस हो रहा है और वहीं पे आगे रिएक्ट भी हो जाए। तो यहाँ भी हम कह रहे हैं कि इन सिटो जो है सम टाइम बैक्टीरियल ग्रोथ अच्छी होती है, मीन कि जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है
जहाँ पे वेस्ट मटेरियल है वहीं पे प्रोड्यूस हो, और वहीं पे ही ये जो है अपने एंजाइम्स वगैरह की वजह से वेस्ट मटेरियल को किल करें, ठीक है। अंडर द लेबल ऑफ बायो रेमेडिएशन, कि बायोलॉजिकल मटेरियल की वजह से ये वेस्ट की रिमूवल जो है ये हमारे पास क्या आ जाती है, बायो रेमेडिएशन आ जाती है। अंडर द लेबल ऑफ बायो रेमेडिएशन द यूज ऑफ माइक्रोबियल प्रोसेस टू डिस्ट्रॉय द हैज़र्डस वेस्ट हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ इंटेंस इन्वेस्टिगेशन इन द वेस्ट ट्रीटमेंट कम्युनिटी फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, कि हम पिछले कई सालों से बायो रेमेडिएशन का प्रोसेस कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल मटीरियल्स को यूज़ कर रहे हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास जो हजार्डस जो सब्सटेंसेस हैं उनको उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनको उनकी रेमेडिएशन के लिए हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हो रही है, ठीक है। डाउट स्टिल एग्जिस्ट अबाउट द क्लेम फॉर इट्स इफेक्टिवनेस इन अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन, के कुछ डाउट तो हो सकते हैं कि इसके डिफरेंट वे में एप्लीकेशन की वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जा रहा है। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड हाउएवर दैट देर आर मैनी फैक्टर दैट कैन कॉज बाय डिग्रेडेशन टू फेल एज अ ट्रीटमेंट प्रोसेस, कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से ये यूजफुल है और जिसकी वजह से ये यूजफुल नहीं हो सकती। ऑफन फिजिकल कंडीशन सच दैट मिक्सिंग ऑफ वेस्ट न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज सच एज ऑक्सीजन इज टू स्लो टू परमिट द डिग्रेडेशन टू अकर एट अ यूजफुल रेट, कि हमारे पास जो कंडीशंस हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करे कि किस तरह का प्रोसेस हो सकता है। मीन कि हमारे पास जो मिक्सिंग है वेस्ट की या न्यूट्रिएंट्स की या ऑक्सीजन की, वो किस तरह की है। अगर वो मिक्सिंग अच्छी है तो उसकी डिग्रेडेशन सही हो सकती है, सकेगी। अगर वो हमारे पास उसकी मिक्सिंग अच्छी नहीं है तो वो क्या हो सकता है कि जो बायोडिग्रेडेशन है वो बहुत स्लो रेट के ऊपर भी हो सकती है। लो टेम्परेचर में मेक रिएक्शन टू स्लो टू बी यूजफुल, के अगर हमारे पास क्या है टेम्परेचर कम है तो वो भी हमारे पास जो है रिएक्शन बहुत स्लोली प्रोसीड होगा, ठीक है। टॉक्सिकेंट सच एज हैवी मेटल में इनहिबिट बायोलॉजिकल एक्टिवेंट्स एंड मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी टॉक्सिक टू देम, कि हमारे पास जो है कोई हैवी मेटल्स वगैरह हैं वो अगर बैक्टीरिया वगैरह की एक्टिविटी को डिक्रीज कर सकते हैं, या इसके अलावा इवन बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर से भी कोई ऐसे टॉक्सिक मटीरियल्स पैदा हो सकते हैं जो उनको किल कर सकते हैं या उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर हैं ये जो बायो रेमेडिएशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और इसको डिक्रीज करने में भी अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, ठीक है। द बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इज इन्फ्लुएंस बाय इस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसी भी सब्सटेंस के, वो भी उसकी डिपेंड करे कि कितना वो बायोडिग्रेडेबल है या कितना बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सच एज सोलिबिलिटी इन वाटर, वेपर प्रेशर क्या है, सोलिबिलिटी क्या है, और बायोडिकेमिकल प्रॉपर्टीज, ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, इंक्लूडिंग द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, एंड प्रेजेंस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप सम ऑफ विच प्रोवाइड अ केमिकल हैंडल फॉर द इनिशिएशन ऑफ द बायो डिग्रेडेशन, कि हमारे पास क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज मिलकर हमें ये बताती हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वो कितना जो है वो बायोडिग्रेडेबल है और कितना बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि उसकी बायोडिग्रेडेशन के को जो है वो यूजफुल होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बायोकेमिकल हैंडल का कहना है कि वो उसकी जो है बायोडिग्रेडेशन को स्टार्ट करने के लिए जो है यूजफुल होते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल्स फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं जो यूजफुल नहीं भी होते होंगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करनी है कि अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और ये कितना कोई भी सब्सटेंस जो है बायोडिग्रेडेबल है, इसी बेस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। विद द अप्रोप्रिएट ऑर्गेनिज्म एंड अंडर द राइट कंडीशन इवन सब्सटेंसेस सच एज फिनॉल दैट आर कंसिडर्ड टू बी बायोसिडल टू मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन अंडरगो बायोडिग्रेडेशन, कि हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हो, हमें अब इसका मतलब है कि हमें पहले तो हमें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह का मटेरियल्स है और किस तरह की उसके लिए कंडीशन चाहिए। तो हमें ये पता है कि कुछ जो है कुछ ऐसे
बायो रेमेडिएशन के लिए हमें राइट कंडीशंस चाहिए, ठीक है, कि मीन ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए हर तरह के वेस्ट के लिए, ताकि वो हमारे पास जो हम उसकी बायोडिग्रेडेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, कि जैसे हमारे पास क्या है कि केमिकल है, फिनोल है, वो इतना हमारे पास क्या है कि बायोसिडल है, मीन हार्मफुल है, कि ये जो हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको भी किल कर सकते हैं, ये उनके लिए हार्मफुल है। अब जब ये कंपाउंड जो है फिनोल इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा, तो उसकी बायोडिग्रेडेशन जो है वो इफेक्ट कर सकती है, ठीक है, तो वहाँ पे उसके ऊपर वो डिक्रीज भी हो सकती है। यानी कि कुछ ऐसे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं या कुछ ऐसे मटीरियल्स हैं जो बायोडिग्रेडेशन के प्रोसेस को स्लो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं। रिकैल्सिट्रेंट और बायो रिफ्रैक्टरी सब्सटेंसेस आर दोज दैट रेजिस्ट बायोडिग्रेडेशन एंड टेंड टू परसिस्ट एंड अकोमोडेट इन द एनवायरनमेंट, की वो सब्सटेंसेस जो इनकी बायोडिग्रेडेशन नहीं हो सकती, ठीक है, वो उसको अपोज करते हैं बायोडिग्रेडेशन को, जिसकी वजह से वो हमारे एनवायरनमेंट में इकट्ठे रहते हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने में मेजर किरदार अदा कर रहते हैं, तो उनको हम बायो रिफ्रैक्टरी कहते हैं या फिर रिकैल्सिट्रेंट कहते हैं। सच मटीरियल्स आर नॉट नेसेसरीली टॉक्सिक टू ऑर्गेनिजम्स बट सिंपली रेजिस्ट देयर मेटाबॉलिक अटैक, कि ये इतने टॉक्सिक तो नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही किल कर दें, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है, मीन उनके जो एंजाइम वगैरह हैं वो उसको इन पे ऊपर असर ही नहीं करते, मीन उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इन मटीरियल्स को, ठीक है, जिनको हम बायो रिफ्रैक्टरी या रिकल्सिट्रेंट कह रहे हैं। हाउएवर इवन सम कंपाउंड्स रिगार्ड इज एज बायो रिफ्रैक्टरी मे बी डिग्रेडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू अडैप्ट दी बायोडिग्रेडेशन। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल हैं भी कि जो बायोडिग्रेडेशन इन दी एंड हो भी जाती है उनकी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, DDT इज डिग्रेडेड बाई प्रॉपरली एक्युमुलेटेड सोडोमोनास, के लिए हमारे पास बैक्टीरिया हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे पास बैक्टीरिया जो सोडोमोनास हैं वो एक्युमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, या कॉमलेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये हमारे पास DDT जो है वो क्या हो सकता है, वो डिग्रेड हो सकता है। केमिकल प्री ट्रीटमेंट स्पेशली बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन कैन मेक सम काइंड ऑफ रिकैल्सिट्रेंट बेस्ड मच मोर बायोडिग्रेडेबल, कि हमारे पास हम उसकी कोई कोई ना कोई ट्रीटमेंट पहले कर दें, केमिकली प्री ट्रीटमेंट उसको कह देते हैं, यहाँ पार्शियल ऑक्सीडेशन उसकी कर दी जाए, तो उसकी वजह से भी क्या है कि जो मटीरियल पहले जो है बायोडिग्रेडेशन नहीं हो सकती थी, अब उसकी बायोडिग्रेडेशन हो भी सकती है। प्रॉपर्टीज ऑफ हैज़र्डस वेस्ट एंड देयर मीडिया कैन बी चेंज टू इंक्रीज द बायोडिग्रेडेबिलिटी, मीन हम कंडीशन चेंज कर दें उसकी वेस्ट की प्रॉपर्टीज या उसके अंदर जो मीडिया है उसको चेंज कर दें, तो वहाँ से भी हमारे पास क्या है कि बायोडिग्रेडेबिलिटी में चेंज आ सकता है। दिस कैन बी अकम्पलिश बाय द एडजस्टमेंट ऑफ द कंडीशंस टू ऑप्टिमम टेम्परेचर, pH, स्टीरिंग ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन लेवल एंड द मटीरियल लोड। हम एक्चुअली कंडीशन चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या है, pH चेंज कर दें उसकी मिक्सिंग, उसमें ऑक्सीजन लेवल या मटेरियल हम कितना बेस मटेरियल ऐड करें, ये सारी चीज़ें चेंज करें, तो हमें ऑप्टिमम कंडीशन मिल जाएंगी जिसमें मैक्सिमम बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस हो सके। बायोडिग्रेडेशन कैन बी एडेड बाय रिमूवल ऑफ टॉक्सिक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज हैवी मेटल आयंस, हम क्या कर सकते हैं, अगर हैवी मेटल आयन रिमूव कर दिए जाए तो भी हमारे पास क्या है कि ये जो है बायोडिग्रेडेशन जो है वो जल्दी हो सकती है। इसी तरह हमारे पास क्या है, एरोबिक वेस्ट ट्रीटमेंट, के एरोबिक का मतलब हमें पता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जो है वेस्ट की ट्रीटमेंट कर दी जाए, तो मीन कि जो भी अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो इन दी एंड हमारे पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। एरोबिक वेस्ट ट्रीटमेंट possesses utilized aerobic bacteria and fungi that require molecular oxygen, के aerobic conditions के अंदर जो bacteria काम कर रहे होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, aerobic bacteria या aerobic fungi, जिनके लिए oxygen की presence जो है ज़रूरी होती है ताकि वो waste को
ट्रीट कर सकते हैं, वेस्ट को डिग्रेड कर सकते हैं। दीज प्रोसेसेस आर ऑफन फेवर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि हमारे पास ये फंजाई या बैक्टीरिया होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, इन पार्ट बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी यील्ड ऑब्टेन व्हेन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिएक्ट विद द ऑर्गेनिक पार्ट। और इनकी वजह से क्या होता है कि जब ऑर्गेनिक मैटर की ऑक्सीडेशन होती है तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही होती है। एरोबिक वेस्ट ट्रीटमेंट इज़ वेल अडेप्टेड टू द यूज ऑफ एन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। हमने एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस भी देखा हुआ है कि वो प्रोसेस भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। इट कैन बी अप्लाइड टू हैजर्डस वेस्ट सच एज केमिकल प्रोसेस वेस्ट एंड लैंडफिल लीचेस। कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं कि केमिकल वेस्ट प्रोसेस की वेस्ट की प्रोसेसिंग में, या फिर हमारे पास जो लैंड फिल्स हैं वहाँ पे जो उसकी जो लीचेड होता है, मीन वहाँ पे कोई मटेरियल जो है लीक आउट हो रहा है तो वहाँ से जो वेस्ट आ रहा है तो उसके ऊपर भी ये प्रोसेस हम कर सकते हैं। कौन सा? एरोबिक वेस्ट ट्रीटमेंट। सम सिस्टम्स यूज पाउडर्ड एक्टिवेटेड कार्बन एडिटिव टू एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक वेस्ट दैट आर नॉट बायोडिग्रेडेबल बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दिस सिस्टम। कि हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन को भी यूज़ कर सकते हैं कि जो या तो ऑर्गेनिक वेस्ट को एब्जॉर्ब कर ले या फिर हमारे पास उसको एड्जॉर्ब कर ले। ठीक है, जो मटीरियल जिनकी बायोडिग्रेडेशन नहीं होती। कॉन्टेमिनेटेड सॉइल कैन बी मिक्स विद द वाटर एंड ट्रीटेड इन द बायोरिएक्टर टू एलिमिनेट द बायोडिग्रेडेबल कंटेमिनेंट इन द सॉइल। कि हमारे पास क्या है कि जो कंटेमिनेटेड सॉइल है उसको भी वाटर के साथ मिक्स कर लेते हैं, और बायोरिएक्टर जो है मीन जहाँ वो चैम्बर जिसके अंदर रिएक्शन प्रोसीड होता है उसके अंदर इनको ऐड कर दिया जाता है, और वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं कि सॉइल के अंदर से ये बायोडिग्रेडेबल कंटेमिनेंट जो है वो रिमूव कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल इन प्रिंसिपल टू ट्रीट द कंटेमिनेटेड सॉइल बायोलॉजिकली इन प्लेस ऑफ पंपिंग ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट रिच वाटर थ्रू द सॉइल इन द रीसर्कुलेटिंग सिस्टम। कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम ये जो सॉइल है इसको बायोलॉजिकली ट्रीट कर दिया जाए कि इसके अंदर जो है ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस किया जाए, कि ऑक्सीजन को पंप किया जाए और जो है वहाँ से सर्कुलेटिंग सिस्टम के अंदर से जो है वो सर्कुलेशन प्रॉपर हो, ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करें तो वहाँ से क्या हो सकता है कि जो भी कंटेमिनेंट्स हैं वो सॉइल के अंदर से रिमूव किए जा सकते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो ये हमारे पास क्या है, एरोबिक वेस्ट ट्रीटमेंट थी। अब हम देखते हैं एनएरोबिक वेस्ट ट्रीटमेंट जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम जनरली बात करें तो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट की अगर फर्मेंटेशन का प्रोसेस है तो वहाँ से हमें क्या पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय हमारे पास मीथेन गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, या अदर गैसेस जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती, और ये हमारे पास जो है एनएरोबिक कंडीशन होती है। ठीक है, एनएरोबिक वेस्ट ट्रीटमेंट इन विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड द वेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैन बी प्रैक्टिस ऑन अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक हैजर्डस वेस्ट। कि हम यहाँ पे जो है एनएरोबिक कंडीशन जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ भी करें उसमें। कंपेयर टू द एरिएटेड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एनएरोबिक डाइजेशन रिक्वायर्स लेस एनर्जी। हमें इसके लिए लेस एनर्जी चाहिए, यील्ड लेस स्लज बाय प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो स्लज की बाय प्रोडक्ट्स हैं वो भी कम प्रोड्यूस होती हैं, जनरेट हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही है वो कौन कौन से हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड विच प्रेसिपिटेट टॉक्सिक हैवी मेटल आयंस। अब ये जो हमने पीछे मेटल्स की प्रेसिपिटेशन के अंदर भी पढ़ा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ उसका रिएक्ट करवा दिया जाए तो मेटल सल्फाइड वगैरह बन जाते हैं जिसकी वजह से मेटल की प्रेसिपिटेशन हो सकती है, एंड प्रोड्यूस द मीथेन गैस विच कैन बी यूज एज अ एनर्जी सोर्स। मीथेन आपको हमें पता है हमारी सुई गैस के अंदर मीथेन होती है, तो वो क्या है, एनर्जी सोर्स के लिए भी यूज हो सकती है। The overall process for the anaerobic digestion is the fermentation process in which the organic matter is both oxidized and reduced. कि fermentation का process है जिसके अंदर हमारे पास organic matter की oxidation भी हो सकती है और reduction भी हो सकती है।
द सिंप्लीफाइड रिएक्शन फॉर द एनएरोबिक फर्मेंटेशन ऑफ अ हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज द फॉलोइंग, के मीन एनएरोबिक ऑक्सीडेशन हो रही है किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेस अमाउंट होगी और हमारे पास जो है मीथेन जो है वो ज्यादा अमाउंट है उसके अंदर वो जो है वो प्रोड्यूस मीथेन प्रोड्यूस कर रहा होगा। मीन यहाँ इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, और फर्मेंटेशन जो है हमारे पास क्या है रिडक्शन हो रही है तो वो मीथेन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इन प्रैक्टिस द माइक्रोबियल प्रोसेस इन्वॉल्व आर क्वाइट कम्प्लेक्स, ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं होते, वो बड़े कम्प्लेक्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द वेस्ट फॉर विच द एनएरोबिक डाइजेशन इज सूटेबल कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड्स सच एज एसिटाल्डिहाइड और मिथाइल इथाइल कीटोन्स के, इन 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 मटीरियल्स के अंदर हमारे पास क्या है कि एनएरोबिक जो है डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है या उनकी एनएरोबिक वेस्ट ट्रीटमेंट की जाती है। एनएरोबिकली ये हमारे पास जो है वेस्ट को लेस जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनमें कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस है वो हमारे पास आ गया रिडक्टिव डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन का मतलब है कि हैलोजिन्स की रिमूवल। ठीक है, कि रिडक्शन के प्रोसेस में हमारे पास क्या है, रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और साथ साथ क्या है रिमूवल ऑफ, हम क्या कर रहे हैं हैलोजिन्स को रिमूव करें। रिडक्टिव डीहैलोजिनेशन इज अ मैकेनिज्म इन विच द हैलोजन एटम आर रिमूव फ्रॉम द ऑर्गेनोहैलाइड कंपाउंड बाय एनएरोबिक बैक्टीरिया, कि एनएरोबिक बैक्टीरिया जो हमारे पास क्या कर रहे हैं रिडक्शन की रिड्यूस एनवायरनमेंट के अंदर जो हैलोजन्स हैं उनको रिमूव करें। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ डिटॉक्सिफाइंग अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड्स कहाँ कहाँ होते हैं, पार्टिकुलरली सॉल्वेंट्स या अराइल हैलाइड्स हो सकते हैं, ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, इन मटीरियल्स की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये प्रोसेस यूज करते हैं। ऑल ऑफ विच आर इम्पोर्टेंट हैजर्डस वेस्ट कंपाउंड विच वर डिस्कार्टेड इन द लार्ज क्वान्टिटीज इन सम ऑफ द ओल्डर वेस्ट डिस्पोजल पम्प, कि हम हमारे पास ये जो है लार्ज क्वान्टिटी में प्रोड्यूस भी हो रहे होते हैं और ये जो है डिस्पोजल पंप से जो है ये डिस्कार्ड भी हो रहे होते हैं, तो इनको हमने जो है इस प्रोसेस के थ्रू जो है इनकी रिमूवल कर रहे होते हैं या उसकी जो है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करें। रिडक्टिव डीहैलोजिनेशन इज द ओनली मीन्स बाय विच सम ऑफ द मोर हाईली हैलोजिनेटेड वेस्ट कंपाउंड आर बायोडिग्रेडेड। ठीक है, उनकी बायोडिग्रेडेशन होती है इस प्रोसेस के थ्रू। सच कंपाउंड इंक्लूड टेट्राक्लोरोइथेन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, पेंटाक्लोरोफिनोल, मीन कि आपको पता है ये सारे क्लोरो कंपाउंड्स हैं, एंड द मोर हाईली क्लोरिनेटेड पॉलीसाइक्लिक बेंजीन कॉन्जेनर्स। कॉन्जेनर्स का मतलब ये होता है कि इसके एनालॉग, मीन इनके डेरिवेटिव भी जितने भी हैं जिनके अंदर हैलोजिनेटेड कंपाउंड प्रेजेंट है वो सारे के सारे इस प्रोसेस के थ्रू जो है उनकी जो है बायोडिग्रेडेशन होती है। द टू जनरल प्रोसेस बाय विच द रिडक्टिव डी हैलोजिनेशन अकर आर हाइड्रोजन हाइड्रोजनोलिसिस, के हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे हैं और उसकी ब्रेक डाउन हो रही है। इज शोन बाय द एग्जांपल ऑफ द इक्वेशन, कि हमारे पास क्या है कि क्लोरोबेंजीन है, हमने हाइड्रोजन ऐड की तो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन तो इसके साथ लग गई तो HCl बन गया और एक हाइड्रोजन जो है इस पोजीशन पे आके लग जाएगी तो क्या बन जाएगा कि HCl की रिमूवल हो जाएगी और क्लोरोबेंजीन से हमने क्या कन्वर्ट हमने क्या कर दिया बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया, कि क्लोरोबेंजीन हमारे पास ज़्यादा टॉक्सिक थी एज कम्पेयर टू बेंजीन। दूसरा क्या हो सकता है, विसिनल रिडक्शन। विसिनल जो हाइड्रोकार्बन है आपको पता क्या हो सकता है कि जब दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हैलोजिन्स लगे हों, ठीक है, ये भी क्लोराइड लगा हुआ है, ये भी क्लोराइड लगा है, दो एडजेसेंट हमारे पास कार्बन है उनके ऊपर हैलोजिन्स लगे हुए हैं तो वो विसिनल हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्या करें रिमूव कर दें हैलोजिन्स को तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि डबल बॉन्ड बन जाएगा। कैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ ये वाला एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको पता है, तो ये अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ गया हमारे पास,
और यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इधर है, तो वो मिलकर क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे दो क्लोराइड आयंस हमारे पास रिमूव होंगे, और साथ साथ क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये विसिनल रिडक्शन है, विसिनल रिडक्शन मूव टूवर्ड्स एसिड हैलोजन एटम एंड वर्क ओनली ऑन द अल्काइल हैलाइड्स नॉट एलाइल हैलाइड। के अल्काइल हैलाइड पे ऐसा हो सकता है, मीन जहाँ बेंजीन नहीं जा वहाँ पे ऐसा प्रोसेस नहीं हो सकता। बहुत प्रोसेस प्रोड्यूस इनऑक्सियस इनऑर्गेनिक हैलाइड के, मीन के हमारे पास ये ज़्यादा टॉक्सिक था, तो ये हार्मलेस इनऑर्गेनिक है जो है वो क्लोराइड वगैरह प्रोड्यूस हो सकते हैं। मीन मोर हार्मफुल से हम लेस हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वेस्ट की ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या हो सकता है कि लैंड ट्रीटमेंट एंड कंपोस्टिंग हम कर सकते हैं, कि हम किस तरह लैंड की ट्रीटमेंट करें या उसकी कंपोस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसको अब हम देखते हैं कि कैसे ये लैंड की ट्रीटमेंट हो सकती है। सॉइल में भी व्यूड एज अ नेचुरल फिल्टर फॉर वेस्ट के लिए नेचुरल फिल्टर जो है वो हमारे पास सॉइल है। सॉइल हैज फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन एनेबल वेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन, बायोडिग्रेडेशन, केमिकल डिकम्पोजिशन एंड फिजिकल एंड केमिकल फिक्सेशन। ये सॉइल की वजह से कि हमारे पास जो है हम वेस्ट की डिफरेंट तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मीन अगर सॉइल में बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है तो उसकी बायोलॉजिकल जो है वो रेमेडिएशन वगैरह हो सकती है, या डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह, या कोई भी प्रोसेस है वो सॉइल पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरह का हमारे पास जो है वो सॉइल की कंपोजिशन है और कौन से प्रोसेस हो रहा है। देयर फॉर लैंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट में बी अकॉम्प्लिश बाय मिक्सिंग द वेस्ट विद द सॉइल अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। तो इसका मतलब है लैंड ट्रीटमेंट के लिए किसी भी वेस्ट का मतलब ये है कि वेस्ट मटेरियल को लैंड सॉइल के साथ मिक्स करना है। ठीक है, अब क्या कंडीशन रखनी है वो डिपेंड करती है कि हमने कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन पे रख के इसकी ट्रीटमेंट करनी है। सॉइल इज अ नेचुरल मीडियम फॉर अ नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मे हैव एन इफेक्ट अपॉन द बायोडिग्रेडेशन ऑफ द हैजर्डस वेस्ट। हमें पता है कि हमारे पास जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जिसकी वजह से ये बायोडिग्रेडेशन कर सकते हैं किसी भी हैजर्डस वेस्ट की। ऑफ दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द बैक्टीरिया इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द जेनरा ऑफ एग्रो बैक्टीरिया, आर्थ्रो बैक्टीरिया, बेसिलस, फ्लेवो बैक्टीरिया, सोडोमोनास। ठीक है, ये सारे बैक्टीरिया जो है हमारे पास जो है सॉइल वगैरह के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्टिनोमाइट सीड एंड दी फंजाई आर दी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर, कि हमारे पास जो वेजिटेबल वेस्ट है उसको डिके करने के लिए यूज होते हैं। मे बी इन्वॉल्व इन दी बायोडिग्रेडेशन ऑफ दी वेस्ट, कि ये वेस्ट की बायोडिग्रेडेशन में इन्वॉल्व हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल फॉर द लैंड ट्रीटमेंट आर यूजली प्रेजेंट इन सफिशेंट नंबर टू प्रोवाइड द इनोकुलम रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। के हमारे पास जो है लैंड ट्रीटमेंट के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक सफिशेंट अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी वो उसकी आगे से आगे ग्रोथ होती जाएगी। ठीक है, इनोकुलम एक्चुअली क्या होता है कि एक स्मॉल सा सब्सटेंस है जिसके अंदर प्योर कल्चर है। ठीक है, कि प्योर कल्चर मीडियम होता है इनकी बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ के लिए। ठीक है, कि अगर हमारे पास थोड़ा से भी बैक्टीरिया है तो वो अपनी ग्रोथ, आपको पता है बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो बड़ी जल्दी होती है, अगर थोड़े से भी प्योर बैक्टीरिया हैं तो वो क्या करेंगे, आपस में जल्दी से ग्रोथ करके सारे के सारे जो है वो और ज्यादा बैक्टीरिया बना सकते हैं, उनकी ग्रोथ ज्यादा हो सकती है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कि ग्रोथ ज़्यादा हो तो फिर ये जो है ज़्यादा हमारे पास जो है ऑर्गेनिक वेस्ट है उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो इनोकुलम एक्चुअली वो सब्सटेंस है या वो मटेरियल है जिसके अंदर हमारे पास क्या है बैक्टीरिया की, प्योर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही होती है या प्योर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है इंक्रीज होती है। कि मीन हमारे पास सफिशेंट अमाउंट में बैक्टीरिया होने चाहिए जो कि ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकते हैं। The growth of these indigenous microorganism may be stimulated by the adding nutrients। कि हम जैसे अगर हम लोगों में से किसी ने देखा हो कि मीन हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने के लिए भी तो उन्हें कुछ ना कुछ फूड देना है,
या न्यूट्रिएंट्स देने हैं, ठीक है, तो अगर हम उसको फूड वगैरह दें तो वो उसकी ग्रोथ हो सकती है ज़्यादा तेज़ी से हो सकती है, ठीक है। एडिंग न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू एक्ट एज ऑक्सीडेंट फॉर एरोबिक डिहाइड्रेशन अकम्पलिश बाय मिक्सिंग, कि हम क्या कर सकते हैं कि उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए कोई ऑक्सीडेंट दें, ठीक है, और साथ साथ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है और वो ज़्यादा मटीरियल्स को किल कर सकते हैं या मटीरियल्स की डिग्रेडेशन कर सकते हैं। ये मोस्ट कॉमनली एडेड न्यूट्रिएंट आर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ऑक्सीजन कैन बी एडेड बाय पंपिंग एयर अंडरग्राउंड और बाय ट्रीटमेंट विद द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, के ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये कि एयर को पंप कर दिया जाए या फिर हम उसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोवाइड कर दें। इन सम केसेस सच एज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन और नियर द सॉइल सरफेस, सिंपल टिलेज प्रोवाइड बोथ ऑक्सीजन एंड मिक्सिंग रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्टिमम माइक्रोबियल ग्रोथ। कि कुछ समटाइम्स टिलेज का मतलब क्या है, हम जैसे जमीन को खोद देते हैं, ठीक है, जमीन को जो खोदते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन की भी मिक्सिंग होती है, और प्रॉपरली खोदने की वजह से क्या जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं या बैक्टीरिया है उसकी भी प्रॉपर ग्रो जो है वो मिक्सिंग हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या है कि फिर हमारे पास क्या है कि अच्छे से वो मिक्सिंग होगी, तो इसकी वजह से हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स वगैरह हैं उनकी भी बायोडिग्रेडेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो सकती है। हाउएवर इन सॉइल कंटेमिनेटेड विद द हैजर्डस वेस्ट, बैक्टीरियल कल्चर में डेवलप एंड दैट आर इफेक्टिव इन डिग्रेडिंग नॉर्मल रिकल्सिट्रेंट कंपाउंड्स थ्रू द एक्लिमेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि हमारे पास क्या है कि हम सिंपल हाइड्रोकार्बन के लिए तो क्या कर रहे हैं, टिलेज कर रहे हैं, ठीक है। टिलेज का मतलब क्या है, उसको खोदना है तो उसकी मिक्सिंग हो एयर की और ऑक्सीजन की और जो न्यूट्रंट्स की, तो माइक्रोबियल ग्रोथ अच्छी होगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा ये हाइड्रोकार्बन को रिमूव करने के लिए हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर रिकल्सिनेंट हमारे पास जो है वो मटेरियल है, जेडस बेस है, रिकल्सिट्रेंट हमने देखा था कि जो जिनकी बायोडिग्रेडेशन नहीं हो सकती है, ठीक है, वो वाले मटेरियल हों। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, करना पड़ता है कि हमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसकी ग्रोथ करवानी पड़ती है, कि उसकी कॉम्बिनेशन करवानी पड़ती है ताकि हमारे पास ये ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल बने, तो ताकि फिर हम इसको ताकि वो हजार्डस मटेरियल्स को डिकम्पोज कर सकें। लैंड ट्रीटमेंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर पेट्रोलियम रिफाइनिंग वेस्ट एंड इज एप्लीकेबल टू द ट्रीटमेंट ऑफ फ्यूल एंड वेस्ट फ्रॉम द लीकिंग अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक। कि हम ये जो पेट्रोलियम या पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं या अंडरग्राउंड लीकेज टैंक वगैरह है या स्टोरेज टैंक वगैरह है, इनके अंदर इसकी इनकी ट्रीटमेंट के लिए ये जो है ये ज़्यादा प्रोसेस यूज करते हैं। लैंड ट्रीटमेंट इज नॉट सूटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट कंटेनिंग एसिड। कि इसको एसिड वगैरह या बेस या टॉक्सिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, सॉल्ट, हैवी मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर एक्सेसिवली सोलेबल, वॉलेटाइल या फ्लेमेबल मटेरियल है, तो उनके लिए इस प्रोसेस को नहीं यूटिलाइज किया जाता। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोस्टिंग। अगर किसी ने घर में अक्सर कहते हैं कि हम खाद खुद बना लेते हैं या कंपोस्ट सॉइल खुद बना लेते हैं, अगर किसी ने वीडियोस वगैरह देखी हो, तो कंपोस्टिंग कैसे करते हैं आप गूगल यूट्यूब वगैरह पे देख भी सकते हैं कि ये खाद अक्सर कहते हैं ना हमने घर में खाद बना ली है, तो क्या होता है कि ये जो वेजिटेबल वेस्ट वगैरह होते हैं इनमें भी तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं को और इनको दूसरे मटेरियल्स के साथ मीन गत्ता वगैरह घर में कोई भी वेस्ट मटेरियल है, गत्ता हो गया, पेपर हो गया, ये सारे मटेरियल्स वगैरह उनके साथ या घास हो गई, ठीक है, इनकी आपस में डिफरेंट लेयरिंग करते जाएं, मीन डिफरेंट तरह से मिक्स करते जाएं, एक लेयर के बाद फिर दूसरी लेयर लगा दें, दूसरी के बाद फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे लेयर्स लगाते जाएं डिफरेंट मटेरियल्स की, तो क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो मटेरियल जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है।
ठीक है। अब वहां पे क्या है कि आस्ता आस्ता बैक्टीरिया या फंजाई वगैरह की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से जो भी हमारे पास वेजिटेबल वेस्ट है या फिर हमारे पास कोई वुड का वेस्ट है या कोई भी और वेस्ट है, तो उसकी आस्ता आस्ता डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती है। तो ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपोस्टिंग है। इसी तरह हमारे पास क्या है कि ये कंपोस्ट वगैरह के अंदर भी इसका मतलब क्या, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उनको हम अपने प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेन वो खाद के तौर पे भी यूटिलाइज हो सकते हैं, ठीक है। कंपोस्टिंग ऑफ हैज़र्डस वेस्ट इज द डिग्रेडेशन ऑफ सॉलिड और सॉलिडिफाइड मटीरियल्स इन अ मीडियम अदर देन सॉइल, कि सॉइल के बजाय हम दूसरे मटेरियल्स के अंदर जो है इसको क्या कर रहे हैं, इनकी बायोडिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है। सॉइल के अलावा हम वैसे ही अलहदा से इसको कर लें, ठीक है। बल्किंग मटीरियल सच एज प्लांट रेजिड्यूज, इसमें क्या क्या हो सकता है, प्लांट रेजिड्यू हो सकते हैं, पेपर हो सकता है, म्यूनिसिपल रिफ्यूज हो सकते हैं, और सार्डस में भी एडिड टू रिटेन द वाटर एंड एनेबल एयर टू पेनिट्रेट इन दी वेस्ट मटीरियल, के वेस्ट मटीरियल के साथ साथ ये सारे मटीरियल्स हो सकते हैं, और साथ क्या है कि प्रॉपर एरिएशन हो और वाटर कंटेंट्स उसके अंदर हो, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी बायोडिग्रेडेशन हो सकती है। सक्सेसफुल कंपोस्टिंग ऑफ हैज़र्डस वेस्ट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, इंक्लूडिंग दोज डिस्कस अबाउट अंडर द लैंड ट्रीटमेंट, कि लैंड ट्रीटमेंट के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो सारी के मीन उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, कंडीशंस क्या है, या केमिकल या फिजिकल जो है उसकी क्या कंपोजिशन हो सकती है। द फर्स्ट ऑफ दीज इज द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनाकुलम, हमने प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करना है या प्रॉपर उनका प्योर बैक्टीरिया जो ले रहे हैं वो कौन से हैं, कितने हैं, ताकि वो हमारे पास अदर बैक्टीरिया की ग्रोथ में हेल्पफुल हो, ठीक है। वंस अ सक्सेसफुल कंपोस्टिंग ऑपरेशन इज अंडर वे, अ गुड इनाकुलम इज मेंटेन बाय द रीसर्कुलेटिंग द स्पेंट कंपोस्ट टू ईच न्यू बैच, कि हम क्या कर सकते हैं, पहले एक एक लेयर बनाते हैं, ठीक है, एक बैच बनाया, फिर हम क्या किया, हमने उसके ऊपर दोबारा लेयर लगा दी, फिर हम तीसरी लेयर लगा देते हैं, फिर उनकी प्रॉपर मिक्सिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ताकि उसके अंदर प्रॉपर मिक्सिंग हो, रीसर्कुलेशन हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये ईजीली हमारे पास जो है क्या हो सकती है कि कंपोस्टिंग का प्रोसेस हो सकता है। अदर पैरामीटर दैट मस्ट बी कंट्रोल इंक्लूड ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई कितनी है, मॉइस्चर कंटेंट्स कितने हैं, वी शुड बी मेंटेन एट अ मिनिमम ऑफ अबाउट 40%, ठीक है। पीएच कितनी होनी चाहिए, न्यूट्रल के करीब हो या टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि हमारे पास वेस्ट मटेरियल की कंपोस्टिंग हो रही है। द कंपोस्टिंग प्रोसेस जनरेट हीट, सो ये हीट भी प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट की डिकम्पोजिशन हो रही है। इफ द मास ऑफ द कंपोस्ट पाइल इज सफिशेंटली हाई, के बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो कंपोस्ट के लिए मटेरियल है, इट कैन बी सेल्फ हीटिंग अंडर द मोस्ट कंडीशन, कि हमारे पास क्या है कि जितना ज़्यादा मटेरियल होगा उतनी ज़्यादा हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो वही हीट जो है अदर मटीरियल्स की डिग्रेडेशन में भी हेल्प करी होती है। सम वेस्ट आर डेफिशेंट इन न्यूट्रेंट्स सच एज नाइट्रोजन, विच मस्ट बी सप्लाइड फ्रॉम कमर्शियल सोर्स और फ्रॉम दी अदर वेस्ट, कि हमारे पास क्या है कि मोस्टली तो ये डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऐड हो रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या है कि वो उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास क्या है कि न्यूट्रिएंट्स कम हो, कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर से ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारे पास ये जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है इसकी बायोडिग्रेडेशन हो सके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था कि हम लैंड ट्रीटमेंट के अंदर देख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह यूज़ हो सकते हैं, या तो लैंड में ट्रीटमेंट, सॉइल में ट्रीटमेंट करने, और अगर हमने सॉइल में ट्रीटमेंट नहीं करनी तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, कि सॉइल के अलावा कोई भी अदर वुड हो गया या कोई भी मटीरियल आ गया, प्लांट मटीरियल आ गया, पेपर आ गया, या कोई उस मटीरियल लेने, और साथ जो है ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारे पास, तो उनके मिक्सिंग करते जाएँ, उनकी डिफरेंट लेयर्स बनाते जाएँ, तो वहाँ से भी हम और प्रॉपर उसकी ऑप्टिमम कंडीशन दी जाए, मीन टेम्परेचर क्या है, पीएच क्या है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीडेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, तो वहाँ से ये हमारे पास क्या कर सकते हैं,
कि बायोलॉजिकल मटेरियल्स की डिग्रेडेशंस कर सकते हैं। तो ये तो था आज का लेक्चर, जिसमें हमने लैंड ट्रीटमेंट देख ली और साथ साथ हमने इंसिनरेशन का प्रोसेस देखा कि इंसिनरेशन जो है वो कैसे होती है, और जो कि थर्मल प्रोसेस था, थर्मल हीटिंग जो प्रोसेस था वेस्ट का, वो हमारे पास, जिससे हम वेस्ट मटेरियल्स की डिफरेंट तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट तरह से उसको लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे।